गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं अपने पेट को टारगेट, जो आपका पेट बार बार बाहर आ जाता है लेकिन अंदर नहीं जाता, उसको अंदर करने के लिए ये वर्कआउट करें। डेफिनेटली आपके फेस पे भी स्माइल आ जाएगी और आपका फिगर भी बहुत मेंटेन हो जाएगा और आप फुल कॉन्फिडेंस से अपने फेवरेट कपड़े पहनकर अपनी बॉडी को एक्सपोज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फटाफट से वर्कआउट। सुनने के बाद, देखने के बाद टीवी देखने मत बैठ जाना आलसियों की तरह। जब भी टीवी देखो, जब भी कुछ काम करके फ्री हो, वर्कआउट का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। सुबह करो, शाम करो, रात करो, इनफैक्ट ज्यादा रैप्स भी कर सकते हो। खाना खाने के एक घंटे बाद वर्कआउट स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपकी बॉडी मेंटेन रहना शुरू हो जाएगी। तो चलिए भरिए अपने अंदर जोश और जज्बा और शुरू हो जाइए। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको ये पोजिशन लेनी है। आपको अपने एक पैर को तो स्टेबल रखना है, टिका के रखना है, एक साइड आपको बेंड करना है, फिर पैर को आगे लेके जाना है, बाजू पीछे, फिर यहाँ लेके जाना है आपको पूरा ऊपर, फिर डाउन, फिर ये अगेन। आपको उसके करने हैं 10 रैप्स और करने हैं 4 सेट्स। तो चलिए 1 by 1, पहले हम 10 इस साइड करेंगे, देन 10 अदर साइड, और ऐसे ही हमने कंप्लीट करने हैं अपने 4 सेट। तो चलिए शुरू हो जाइए। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है फर्स्ट एक्सरसाइज। अब बढ़ेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए आपको अपने हिप्स के नीचे हैंड प्लेस करने हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठाना है और इस तरीके से आपको अपने लेग्स को क्रॉस करना है, जिससे पूरा जो लोड है वो आपके टमी पे जाएगा और वहाँ का फैट रिड्यूस होगा। यहाँ पे मैंने करे हैं 20 रैप्स और आपको करने हैं इसके 4 सेट। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब हम करने वाले हैं अपने साइड ट्विस्ट। साइड ट्विस्ट को कैसे करना है? अगर आपसे लेग्स प्रॉपर ऐसे हो नहीं रही हैं, स्टेबल नहीं हो रही हैं हवा में, तो आप या तो कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं हो रही तो आप डाउन करके साइड को ट्विस्ट करेंगे। पूरा स्ट्रेच देना है, सिर्फ ऐसे ऐसे मूव नहीं होना, प्रॉपर अपनी बॉडी को यहाँ से स्क्वीज करते हुए, सांस खींचते हुए साइड पे लेके जाना है, फिर सेंटर में सांस छोड़ना है। अपने टमी को पूरा खींच के रखना है और फिर ये वर्कआउट करना है। यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे 10 रैप्स और हमें करने हैं इसके 4 सेट। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अपनी बॉडी को थोड़ा सा उठा के रखना है, अपने पैरों को यहाँ रखना है, अपने हाथों को इस तरीके से, मतलब आपका ये पोस्चर रहेगा भी और कम से कम आपको 20 बार अपने हाथों को अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन करना है। उससे आपकी एक स्टेबिलिटी रहेगी, आपके यहाँ पे लोड पड़ेगा क्योंकि आप इस पोस्चर में बने हुए हैं, और अगर हम जब इस पोस्चर में रहते हैं तो टमी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वहाँ की मसल्स।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 टाइम्स।